स्लाइस जानेंगे, स्लाइस क्या है। स्लाइस जेठा डॉट गो करेंगे, ठीक है। स्लाइस के बारे में जानते हैं, स्लाइस क्या होता है, एरे जैसा ही होता है, पर यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेंथ इसकी श्रिंक हो सकती है और ग्रो भी हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट यहाँ पे स्लाइस की, ठीक है। तो स्लाइस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो जानेंगे अभी इस वीडियो में। तो स्लाइस का नाम डालना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो मैं अगर कोई भी नाम डाल दूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सारे थे इम्पोर्ट नहीं क्या बोलते हैं, शुरुआत देखो क्या कर रहे हैं, पैकेज मेन और इम्पोर्ट, तो गर्मी बहुत लग रही है यार, इम्पोर्ट एफएमटी, ठीक है इम्पोर्ट एफएमटी कर दिया। इसके बाद मैं करूँगा फंक मेन कर दिया मैंने फॉर एग्जांपल, और स्लाइस का नेम डालना पड़ेगा मुझे, स्लाइस का नाम कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल माय मीट कर दिया मैंने, ठीक है, या फिर डायरेक्टली मीट कर दो, मीट ज़्यादा सही रहेगा। और उसके बाद कोलन इक्वल टू करके, और उसके बाद मैं यहाँ पे ये डालूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद मैं डालूंगा डेटा टाइप का नाम, डेटा टाइप का नाम फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटीजर डाला और उसके बाद मैंने कोलन डाल दिया। एरे में ये कर रहे थे हम लोग, एरे में देखोगे यहाँ पे इस तरह से मैंने एरे में डाला नहीं था, ठीक है, कोलन डाल कर डी डॉट डाल कर रखा था, डाल नहीं रहा, इसमें मेरे को डायरेक्टली करना पड़ेगा। लेंथ फंक्शन क्या होता है, रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्लाइस, और कैप फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द कैपेसिटी ऑफ द स्लाइस, द लेंथ ऑफ द एलिमेंट द स्लाइस कैन ग्रो और श्रिंक। यहाँ पे मैंने मीट को डाल दिया, अगर मैं यहाँ पे fmt.fmt. प्रिंट एलन करूंगा और उसके बाद लेंथ ऑफ मीट कर दूंगा और fmt.print करूंगा एलन कैप कर दूंगा और मीट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक और डालता हूँ, जैसे सयूरी डाल दिया मैंने यहाँ पे, सयूरी को डिफाइन किया मैंने और इसको यहाँ पे इस तरह से सयूरी को मैं स्ट्रिंग कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे इस तरह से करके डबल कोट में सबसे पहले मैं मीट कर देता हूँ, दूसरे वाले में डबल कोट के अंदर यहाँ पे सयूरी कर देता हूँ, तीसरे वाले में करके मैं यहाँ पे रामू आगा कर देता हूँ, नट्टू काका, और एक राम बाबा भी कर देते हैं, राम बाबा गुस्सा आ जाएंगे, राम बाबा मुझे नहीं बुला रहे हो यार, गलत बात है, ठीक है, इनका भी नाम रख देते हैं राम बाबा भी, ठीक है। और इसके बाद करेंगे, ठीक है, और लेंथ और कैप कर दूंगा और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, लेंथ और इसका सयूरी लेंथ हो जाएगी और सयूरी का कैप कर दूंगा, और मैं चाहूँ तो सयूरी को प्रिंट एलन करके सयूरी को प्रिंट भी कर सकता हूँ। रन करते हैं, गलत वाला कर दिया प्रिंट, सयूरी वाले को, स्लाइस वाले को प्रिंट करना है। यहाँ पे जाएंगे, वन वीडियो वाला बहुत हेक्टिक है यार, वन वीडियो वाला बहुत लंबा वीडियो होगा यार, ठीक है, ये वाला ठीक है। तो मीट से योरी नेटवर्क आ गया और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा 0 0 और यहाँ पे 0 लेंथ और 4 4, ठीक है। कैप जनरली क्या करेगा आपका, कैप फंक्शन रन द कैपेसिटी ऑफ द स्लाइस, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स द स्लाइस कैन ग्रो और श्रिंक टू। अब मैं अगर एरे के साथ स्लाइस क्रिएट करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं क्रिएट स्लाइस फ्रॉम एरे, तो एक एरे बना लेते हैं। एरे किस तरह से बनाते थे, 1 5 फॉर एग्जांपल मैंने 4 डाल दिया और इसको इंटीजर कर दिया और यहां पे 10, 12, 14, 17, 19 कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे जैसे मैंने फाइव एग्जाम्पल माई स्लाइस किया मैंने कोलन
और इसको मैं ARR वन और मैं डिफाइन कर दूंगा कहाँ तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 to 3 तक जाऊंगा सिर्फ मैं, ठीक है 1 to 3 तक जाना चाहिए, 1 2 3 मैं 3 तक जाऊंगा। और मैं इसको फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ fmt.println और यहाँ पे माई स्लाइस डाल दूंगा और इसको मैं परसेंटेज वी करके न्यू लाइन करेक्टर डाल के माई स्लाइस कर दूंगा प्रिंट करने के लिए। चाहो तो लेंथ भी प्रिंट कर सकते हैं लेन कमांड की तरह, और यहाँ पे आप कैप कमांड की तरह कैपेसिटी भी जा सकते हो। देखो माई साइज 12 और 14 मेरा यहाँ पे इस तरह से आ गया। ओके मैंने कुछ गड़बड़ किया मेरे ख्याल से, प्रिंट एफ करना है मुझे, इधर नहीं करना है, बेटा आ गया ना माई साइज 12 और 14 ठीक है एरे के फॉर्म में। ओके एरे के फॉर्म में प्रिंट करना है ना, तो मैं इसको यहाँ पे परसेंटेज वी पे कर दूंगा। ओके परसेंटेज वी क्या होता है ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता के रखी है अभी, तो उसको रिवाइंड करके देख लेना। प्रिंट द वैल्यू इन डिफॉल्ट फॉर्मेट के लिए परसेंटेज भी यूज होता है। अब स्लाइस में किसी और एक और तरीके से स्लाइस को डिफाइन कर सकता हूँ, तो स्लाइस डिफाइन करने के लिए मैं तीसरा जो मेथड यूज करूंगा ठीक है, क्रिएट स्लाइस यूजिंग मेक ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा माई ओके मीट सयूरी कर देता हूँ, मीट सयूरी नाम का एक वेरिएबल डालता हूँ और इसको कोलन करके यहाँ पे मेक डाल दूंगा, मेक कमांड का यूज करूंगा, इंटीजर डालूंगा ठीक है इंटीजर वैल्यू करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर डाल के मैं यहाँ पे कॉमा डालूंगा, कॉमा डाल के जैसे मैंने 2 और 7 डाला ठीक है। मिस सयूरी को मैं फिर बाद में प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट करने के लिए क्या होगा fmt.printf का यूज होगा और इसको डबल कोट्स के अंदर मीट स्लाइस ओके देखेंगे अभी देखेंगे और इसको परसेंटेज बी डिफॉल्ट के लिए परसेंटेज एन और मीट सयूरी ओके थक गया यार 0 0 ये यार 0 डिफाइन किया है मैंने ओके गड़बड़ किया मैंने ठीक है 0 0 आ रहा है क्यों 0 0 आ रहा है। और यहाँ पे ये लेंथ होता है और ये कैपेसिटी होती है, 2 लेंथ होती है और उसकी कैपेसिटी कितनी है वो 7 है। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको fmt.printf लेंथ करूँगा परसेंटेज डी न्यू लाइन के एरे के लिए परसेंटेज डी और इंटीजर के लिए होता है ठीक है मीट सयूरी ओके टोटली थक गया हूँ यार सीरियसली fmt करेंगे और ये परसेंटेज डी स्लैश और उसकी कैप कर दूंगा मैं। अब मैं रन करूँ उसको 2 और 7 लेंथ आ गया हमारा इस तरह से। स्लाइस को मॉडिफाई करना है तो स्लाइस को मॉडिफाई करने के लिए आपको पता ही क्या करना पड़ेगा आपको, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे मैं जाऊँगा अगर माई स्लाइस 1 को मैं फॉर एग्जाम्पल 20 कर देता हूँ और मैं इसको क्रॉस करूँगा, क्रॉस करके यहाँ पे डाल दूंगा ताकि यहाँ पे हो जाएगा 20 माई स्लाइस का ठीक है माई स्लाइस 20 आ गया। मॉडिफाई करने के लिए होगा ठीक है, तो मॉडिफाई भी जान लिया हम लोगों ने ओके अब क्या करेंगे ठीक है। अब आगे और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ जानते हैं स्लाइस यहाँ पे